फोबिया ऑफ डिग्लूटिशन, मतलब निगलने का डर, निगलने का भय, खाना निगलने का भय, इसके बारे में आज बातचीत करते हैं। मेरा नाम है डॉक्टर दीपक केळकर, मैं मनोविकार से सेक्स रोग सम्मोहन तथा व्यसन मुक्ति तज्ञ हूँ, महाराष्ट्र में अकोला में प्रैक्टिस करता हूँ। एक 6 साल का लड़का मेरे पास मिला है, माँ बाप उसका साथ में थे ऑफकोर्स, और बोला कि ये खाना ही नहीं खा रहा। खाना उसको निगलने के लिए बहुत परेशानी होती है, वो निगलता नहीं खाना, उसको डर है, और डर ये बात का है कि खाना अटक जाएगा गले में, और अटक गया तो फिर मैं मर जाऊंगा। वो लिक्विड लेता है, कोई जूस लेता है, दूध पीता है, कोई कुछ भी लिक्विड उसको चलता है, और उसमें उसको कोई परेशान नहीं है, मगर खाना नहीं खाता, रोटी नहीं, चावल नहीं खाएगा, सब्जी नहीं खाएगा, उस लगता है कि अटक जाएगा। फिर उसको पूछा भाई हुआ क्या, तो बताया कि भाई करीब करीब 2 महीने पहले की बात है, और 2 महीने पहले वो कुछ बॉटल और उसके कैप से खेल रहा था, और वो रबर की कैप थी, और रबर की कैप वो खेलते खेलते उसने मुंह में डाल दिया और वो अटक गई गले में। गले में जैसे अटक गई वो चिल्लाने लगा, बोलते नहीं आ रहा था, घर के लोग घबरा गए कि अभी क्या होगा, मर जाएगा क्या होगा, तो माँ चिल्लाने लगी, लोगों को बुलाया, वैसे उसको गाड़ी में डाल दिया, डॉक्टर की तरफ लेके गए, सब ये घंटे 2 घंटा टाइम हो गया इसको, और उन्होंने वो पूरा निकाल लिया कैप, उसकी जान तो बच गई, मगर तब से उसको बहुत दहशत बैठ गई कि अभी मैं कुछ भी निकलूंगा तो अभी यहाँ अटक जाएगा, और तब से वो उसने खाना खाने बंद कर दिया। तब से वो बोलता है कि नहीं मैं तो सिर्फ लिक्विड लूंगा, और वो खाने का नाम लाया, सामने रखा खाना कि वो चिल्लाने लगेगा, दौड़ने लगेगा, इधर भागेगा, और बोलेगा मुझे ये होना ही नहीं। अब माँ बाप परेशान कि अभी इसका कैसा करना, तो उसको फिर जब लाया तो उनको मैंने बताया कि देखो भाई अभी आपको ये डिसेंसिटाइजेशन करना पड़ेगा, स्लोली उसको डिसेंसिटाइज करना पड़ेगा। कोई भी फोबिया जब होता है, डर, भयगंड, तो उसको डिसेंसिटाइज करते हैं, स्लोली उसका डर निकालना पड़ेगा। तो उसके सामने पहले अनाज ला के रखो, फिर उसको बोले ठीक है मुंह में डाल के रख, निगल मत, सिर्फ मुंह में रख, फिर एक निवाला, सिर्फ एक निवाला अच्छा चबा के उसको पूरा चूरा चूरा करके लाड़ में घोट के फिर एक ही निवाला फिर तू निगल आज, तो सिर्फ एक ही निवाला निगलने को नहीं बोलना, धीरे 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 वो सब ठीक हो जाएगा। नंबर एक। नंबर दो, मैंने बोला कि आप उसको लिक्विड देते हैं, आप उसको जूस देते हैं, दूध देते हैं, उसमें उसका पेट भर जाता है, उसको अच्छी भूख लगने दो, बहुत भूख लगने दो, आपका दिल नहीं मानेगा मगर भूख लगने दो बहुत। जब ज़्यादा भूख लग जाएगी, उसको मालूम है कि नहीं ये निगलने से कुछ होने वाला है नहीं, पहले निगला हुआ है अपन ने, तो वो खा लेंगे। और तीसरा, मैंने उसको बोला कि मैं आपको थोड़ा एंग्जाइटी कम करने की दवा देता हूँ, जो दवा से उसकी एंग्जाइटी जो है वो कम हो जाएंगी और वो निकालना चालू करेगा। तो ये सब नुस्ख जो है, मतलब ये सब उपचार जो है वो सब उन्होंने अपना है, और धीरे 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 वो अपना क्वांटिटी बढ़ाते गए और वो अच्छा हो गया। कोई भी फोबिया है, फिर फोबिया ऊंचाई का हो, बंद कमरे का हो, रास्ता पार करने का हो, कोई बिल्ली का हो या चिपकली का हो, कोई भी फोबिया जो है वो फोबिया ठीक करने के लिए ग्रेजुअल डिसेंसिटाइजेशन करना वो जरूरी है। सिस्टमेटिक डिसेंसिटाइजेशन कर लिया तो वो ठीक हो सकता है। हिप्नोथेरेपी काम में आती है, हिप्नोथेरेपी से भी बहुत फायदा होता है सम्मोहन उपचार से, जिससे वो कल्पना शक्ति से वो उसका एहसास करवा के हम लेते हैं कि नहीं वो काम कर रहा है और वो फोबिया ठीक हो रहा है। तो ये जरूर काम का है, हिप्नोथेरेपी का सेशन इसमें काम में आता है और पेशेंट ठीक हो जाते हैं। ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो शेयर करो, सब्सक्राइब करो, लाइक करो। थैंक यू वेरी मच।